एरिया 51 सुनते ही मन में एक अलग तरह का सवाल जन्म ले लेता है। क्या है एरिया 51 का रहस्य, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ आएगा। एरिया 51 में ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा राज एरिया 51 में एलियंस का होना माना जाता है। ये दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने खुद यह प्रमाण 2014 में अपने स्टेटमेंट और कुछ एलियंस के तस्वीरें के साथ साझा करते हुए दिया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई। सन 1947 में अमेरिका का रॉसवेल नामक एक जगह में यूएफओ का क्रैश होने की खबर अखबारों और टीवी पर आग की तरह फैल रही थी। दरअसल रॉसवेल में लोग जानवर चढ़ाने के लिए जाते थे। अचानक उन लोगों ने आसमान में अनआइडेंटिफाइड एक ऑब्जेक्ट को फ्लाइंग करते देखा। देखते ही देखते वो यूएफओ जमीन में जाकर क्रैश हो गया। यूएफओ को क्रैश होते देख पशुपालक जाकर एक आर्मी बेस में बताता है, जो कि नज़दीक में ही था। अगले दिन आर्मी बेस की सैनिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने एलियन का यूएफओ मार गिराया है। लेकिन सभी आर्मी वाले अगले ही दिन बात से पीछे हट जाते हैं और अपना बयान बदल देते हैं। मीडिया के सामने आर्मी वाले ने बताया कि वो एक एयर बैलून था जो क्रैश हुआ था, और इस तरह आर्मी वाले अपने देश और दुनिया की सभी देशों से यूएफओ की बात को छुपा देते हैं। इसके बाद शुरू होता है एरिया 51 का निर्माण का काम। आज एरिया 51 को देखने पर लगता है कि ये एक वीरान जगह पर बना हुआ है, जो कि अमेरिका का नेवाडा राज्य में स्थित है। उस जगह पर जब यूएफओ क्रैश हुआ था, तब उस जगह पर बड़े संख्या में आदमी रहा करता था। एक बात में समझो, यूएफओ का क्रैश होने के बाद मौजूदा अमेरिकी सरकार ने उस जगह को खाली करवा दिया था, और आज के समय में दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है तो सिर्फ अमेरिका एयरफोर्स और बल सेना हथियार से लैस होकर, जो 24 घंटे एरिया 51 की निगरानी करते हैं। जब यूएफओ क्रैश हुआ था, मीडिया वाले ने वहां के पशुपालक से बातचीत करने गया जो उस वक्त उस जगह मौजूद थे, तो उन सभी लोगों ने बताया कि वहां कोई यार बैलून नहीं था, वो तो एक स्पेसशिप था, क्योंकि आज के ज़माने से कई ज़्यादा एडवांस और चमकीला था। उन लोगों ने ये भी कहा, जब यूएफओ क्रैश हुआ था तब वहां अमेरिकी सेना का एक दल आया था, और उस दल ने यूएफओ चालक को पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया था। यूएफओ चालक कोई आम इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। यूएफओ चालक एलियन जैसे दिखने में लग रहा था। वहां के लोगों का आज भी यह मानना है कि वो एलियन आज भी एरिया 51 में ही है, और उस पर लगातार रिसर्च किया जा रहा है। द डार्क ट्रूथ ऑफ एरिया 51। साल 1989 को देश और दुनिया में मानो एक भूकंप सा आ गया हो, जब एरिया 51 का एक वैज्ञानिक ने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बता दिया कि वो एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, और एरिया 51 पर एलियन का डेड बॉडी भी उसने देखा है। मगर ये बात शायद अमरीकी सरकार को पसंद नहीं आया, और इस वैज्ञानिक को, जिसका नाम रॉबर्ट लेजर था, उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। लेकिन कभी भी अमेरिकी सरकार से
एरिया 51 का बारे में पूछा जाता था तो तब उनका हमेशा यही कहना था कि ऐसा कोई जगह इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन लगातार कई सारे प्रमाण आ रहे थे जिसे अमरीकी सरकार को आखिर के बाद कबूलना पड़ा। साल 2013 में खुफिया एजेंसी यानी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकृत रूप से ये प्रमाण कर दिया कि एरिया 51 असल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एरिया 51 पर एलियन का होने की दावा को CIA ने झुठला दिया और ये कहा कि वहाँ अमरीकी एयरबेस है। उसके एक साल बाद यानी 2014 को कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिसे देख मानो अमरीकी सरकार की पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अमेरिका का दिग्गज साइंटिस्ट बॉयड गुसमैन कुछ तस्वीर लोगों को और टीवी चैनल वालों को दिखाया जिसमें मरे हुए एलियंस को साफ साफ देखा जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि वो एलियन से बात भी कर चुके हैं और UFO पर काम किया है और 1947 में जो UFO क्रैश हुआ था वो एक सच्ची घटना थी। बची हुई UFO का मालवा वो एरिया 51 में ही रखा गया था और मैं उसी UFO के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा था। साल 2019 में मेटी रॉबर्ट नाम का एक अमरीकी लड़का ने सोशल मीडिया में स्ट्रॉम्स एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने सपोर्ट किया। इस कैंपेन का मकसद था एरिया 51 में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना और देखते ही देखते अगले दिन सुबह का समय लोगों की हुजूम एरिया 51 की चारों ओर जमा हो गया। पब्लिक के एरिया 51 की तरफ आते देख अमेरिकी एयरफोर्स ने एक चेतावनी जारी किया और कहा कि जो कोई भी एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेगा और नियमों को तोड़ेगा वो अपने मौत का जिम्मेवार खुद होगा। और इस तरह का चेतावनी सुनते ही लोगों का भीड़ वहां से गायब हो गया। उसी वक्त मेटी रॉबर्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये कैंपेन चलाया था। जब मेटी रॉबर्ट्स से पूछा गया तो उसने ये बताया कि ये सिर्फ एक मजाक था और मजाक मजाक में इस कैंपेन को वो रन कर दिया था और मुझे जरा भी कोई आइडिया नहीं था कि एक साथ इतने सारे लोग एरिया 51 में पहुंच जाएगा। और आज के समय कड़ी सुरक्षा के लिए अमरीकी एयरफोर्स और अमरीकी बलसेना हथियार से लैस 24 घंटा एरिया 51 की निगरानी कर रही है और आज भी अमरीकी सरकार से पूछे जाने पर यह बात बताते हैं कि वो सिर्फ एक एयरबेस है जिसमें एयरफोर्स की सेना अपनी ट्रेनिंग लेती है। और अमरीकी सरकार एरिया 51 में क्या चल रहा है और क्या राज छुपा हुआ है इस रहस्य को पब्लिक में आने से हमेशा रोकती रही है। आपको क्या लगता है एरिया 51 के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है तो कर लो यार। तब तक मिलते हैं कोई और रहस्यों से भरा टॉपिक को लेकर। जय हिंद।